नमस्कार। कक्षा 10 एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा भाग हम करने जा रहे हैं। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। इसका मतलब मैं अभी आपको समझाता हूं बच्चों। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा रुपये 105 है तथा 15 किलोमीटर के लिए 155 है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? बच्चों इसको ऐसे समझिए, एक टैक्सी वाला है, आप उससे टैक्सी करते हैं तो वो कहता है मान लो कि मैं 20 रुपये तो आपसे लूँगा ही लूँगा, उसके बाद जितने भी किलोमीटर आप चलेंगे उसके 10 रुपये के हिसाब से लूँगा, ठीक है। यदि आप चले 5 किलोमीटर तो आपका किराया कितना हो गया? 20 ये वाले और 5 दहे 50 रुपये यानी 70 रुपये हो गए। यदि आप चलते हैं 10 रुपये तो वो कहता है 20 तो मैंने लेने ही लेने हैं, साथ में 10 किलोमीटर के 10 रुपये के हिसाब से, तो 20 प्लस 10 गुना 10 हो गया 100, 100 प्लस 20 120 रुपये लेने हैं, ठीक है। यदि मान लो वो चले 100 किलोमीटर तो वो कहता है 20 रुपये तो मैंने लेने ही लेने हैं प्लस 100 किलोमीटर के लूँगा 10 रुपये के हिसाब से, तो 20 प्लस 100 दहाई हो गया 1000, तो 1000 प्लस 20 हो गया 1020। अब इसमें आप समझिए, ये जो 20 रुपये है जो उसने लेने ही लेने हैं, हर बार लेने हैं चाहे आप जितना मर्जी चलिए, इसको कहा जाता है नियत भाड़ा, ठीक है। और ये भाड़ा कैसे है? 10 रुपये प्रति किलोमीटर, जितने किलोमीटर चलोगे उनको 10 से गुना कर देंगे, ठीक है बच्चों। तो अब आप समझे, ये है नियत भाड़ा, इसको कहते हैं चली गई दूरी पर भाड़ा, जितनी दूरी चली उसका भाड़ा, ठीक है बच्चों। नियत भाड़ा जितनी दूरी चली उसका भाड़ा, ठीक है। इन दोनों को प्लस करके टोटल अमाउंट बनती है। तो आइए अब हम देखते हैं। मान लो नियत भाड़ा बराबर x रुपए और प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर y रुपए, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले 10 किलोमीटर दूरी के लिए नियत भाड़ा है x, तो उसने लेना ही लेना है 10 किलोमीटर के, उसने लेने हैं प्रति किलोमीटर y के हिसाब से, ठीक है। ये बनते हैं 105 रुपये। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, x प्लस 10 गुना y, 10 y बराबर 105। ये आपकी पहली समीकरण आ गई, ठीक है बच्चों। अब दूसरी कंडीशन देखते हैं, 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपये, नियत भाड़ा है x रुपये, ये तो उसने लेना ही लेना है 15 किलोमीटर के y रुपये के हिसाब से, प्रति किलोमीटर का भाड़ा है y, ये है 155, तो ये हो गया x प्लस 15 गुना y हो गया 15y बराबर 155। इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब प्रतिस्थापन विधि से जैसे आप पहले करते आए हैं वैसे ही हम इसको करेंगे। मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ, x बराबर 105, 10y इधर प्लस हो रहा उधर जाके हो जाएगा माइनस, तो इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन 3 जो है इसकी वैल्यू डालेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में डालने से क्या होगा? इक्वेशन 3 है x, x की जगह है 105 माइनस 10y प्लस 15y, तो इस मैं आगे लिखूंगा प्लस 15y बराबर 155। हमने क्या किया, इक्वेशन 2 में x की जगह ये वाली वैल्यू लिख दी, बाकी वही प्लस 15y बराबर 155। अब देखिए ध्यान से,
105 यहाँ प्लस का है, जब यह बराबर के उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और यहाँ क्या बच गया, माइनस इंटू प्लस, ये वाई वाली रकमें आपस में प्लस हो जाएंगी या माइनस हो जाएंगी, माइनस प्लस माइनस, 15 वाई में से 10 वाई निकाले, 5 वाई साथ में साइन बड़ी रकम का प्लस, तो यहाँ ये आ गया वाई बराबर 155 में से 105 निकाले 50, 5 इधर गुना हो रहा है वाई के साथ, उधर जाके हो जाएगा भाग। अब ये 5 से 50 कट गया 10, इसका मतलब हमारे पास वाई कितना आ गया है, 10 आ गया है। आइए अब हम इसे आगे हल करते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ वाई, इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 में वाई की वैल्यू डालने पर, इक्वेशन 3 थी ये, एक्स प्लस 10 गुना वाई, वाई की जगह हम लिखेंगे 10 बराबर 105, तो एक्स आ गया प्लस 10 गुना 10 होता है 100 बराबर 105, एक्स आ गया 105, 100 इधर प्लस का है, उधर आके हो गया माइनस बराबर 5, इसका मतलब एक्स हमारे पास कितना आ गया है, 5 आ गया है। तो अब हमारे पास वाई भी आ गया है और एक्स भी आ गया है, हमें क्या निकालना है, नियत भाड़ा प्रति किलोमीटर भाड़ा। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ नियत भाड़ा, नियत भाड़ा किसके बराबर था बच्चों, एक्स रुपए के बराबर, एक्स रुपए, और एक्स कितना आया है 5, यानी नियत भाड़ा है 5 रुपए। इसी प्रकार से अगला है प्रति किलोमीटर भाड़ा, प्रति किलोमीटर भाड़ा, प्रति किलोमीटर भाड़ा था वाई रुपए, और अभी हमने वाई निकाला है 10, यानी कि 10 रुपए। तो पहला जो हमारे क्वेश्चन का भाग था वो ये कि हमें नियत भाड़ा निकालना है, वो आया है 5 रुपए, और प्रति किलोमीटर भाड़ा आया है 10 रुपए। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन हमारा यहीं ख़त्म नहीं होता, ये सिर्फ क्वेश्चन का हमने एक भाग निकाल दिया है, प्रति किलोमीटर भाड़ा और नियत भाड़ा। आगे है, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा, तो मैं यहाँ एक और हेडिंग डाल देता हूँ, 25 किलोमीटर यात्रा कितना होगा, नियत भाड़ा है 5 रुपये प्लस 25 किलोमीटर के उसको देने होंगे वाई रुपए के हिसाब से, वाई है 10 रुपये। ये समझे बच्चों, नियत भाड़ा प्लस प्रति किलोमीटर भाड़ा है 10 और 25 किलोमीटर वो चला, तो ये हो गया 5 प्लस 25 गुना 10 होता है 250, तो ये 250 और 5 आ गया 255 रुपये। ये समझ आया बच्चों या नहीं आया, क्या किया हमने बच्चों, हमने जैसा कि मैंने आपको इस उदाहरण में समझाया था पहले कि नियत भाड़ा तो उसने लेना ही है प्लस जितनी दूरी तय करेगा गुना 10, ऐसे ही यहाँ पर हमने देखा नियत भाड़ा है 5 रुपये और 10 रुपये प्रति किलोमीटर, 25 किलोमीटर वो चला, तो 25 गुना 10 हो गया 250 रुपये, ये लेने हैं उसने किलोमीटर के हिसाब से, और 5 रुपये नियत भाड़ा लेना है, तो 250 और 5 255 रुपये उसने कुल लेने हैं, यही हमारा उत्तर है। बच्चों देखिए, आशा करता हूँ कि इस वीडियो के ज़रिए आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा, और यदि ये अच्छे से समझ आया है तो प्लीज़ हमारी मेहनत के लिए इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।